दोस्तों देख सकते हो आप क्रिकेट का मेला लगा हुआ है। आज ये फाइनल आरोन और कुमराज के बीच, इसको देखने गांव के सभी लोग, गुना जिले के आसपास के क्षेत्र के लोग बता रहे हैं। और आप देख सकते हो स्टेडियम के बाहर दर्शकों की भीड़ लगी, और ये दोस्त देख सकते हो मैच देखने के लिए काफी तादाद में आए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, खचाखच भरा है स्टेडियम दर्शकों से। और दोस्तों स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से। रवि भाई भी आया मैच देखने, ये राइडू अम्बातू, तो देख सकते हो क्रिकेट का मेला पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम। रवि भाई हाय, क्या चल रहा है मैच में? और सभी दर्शकों से विशेष निवेदन है कि गाड़ियां आप होटल राजहंस में पार्क करें जाकर, क्योंकि पार्किंग खोल हो चुकी है। दर्शकों की तादाद आप देखिए, नेशनल हाईवे पर भी ज्यादा तादाद में नजर आ रहे हैं दर्शक। और ड्रिंक स्टोली मैदान पर तो उस महा मुकाबले में दो दराज के तादाद सब हमारे प्यारे दर्शक। भोपाल नहीं हमारे आपका बिना आप मैं बिना नहीं नहीं गांव नहीं हमारा पटेली सरपंच मेरे बिना नहीं हां आज हम भोपाल जी हमारे संदेश का स्वागत है। तुम लोग का शॉट है यार देवेंद्र जी, मेरा सरपंच पटेली होती पार इस स्पर्धा का आयोजन कराया जा रहा है। बेहतरीन आयोजन एक बार फिर चले बिनोद बिना रवि गब्बर के लिए एक रन के लिए निकले हैं। दिशा में गेंद को फील्ड किया गया, गेंद पार कर रहा था वाइड बॉल था तो दो रन मिलेंगे। स्कोर पहुंचा बढ़कर 88 रन। खोलने का मौका प्रहार पत्ता का है सिग्नल के साथ स्कोर 118 नहीं यहाँ पे
बहुत अब पंजाब में चेंजिंग तो बहुत होगी। शॉट अच्छे रन, अच्छे रन। एक बड़े मंच पर जंजाली के जीरन गार्डन पर महा मुकाबला महासंग्राम खेला जा रहा है, जो तो पहली पारी समाप्त हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल में 26 रन बनाए। बैटिंग करते हुए और सभी अश्विन नजारे का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही अश्विनी सर तो देखिए विकेट कीपर की भूमिका में हमारे बाबा साहब और बैट्समैन है युवा हृदय सम्राट महाराज कुंवर जयवर्धन सिंह जी, विधायक राजोगन, पूर्व केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश सांसद वापस अपना स्थान ग्रहण करेंगे मंच पर। और साथ में युवा दिलों के जानकार चंद्र भवन मीना चुनो भैया इस टूर्नामेंट के सूत्रधार। अभी सर 1 जनवरी से बच्चों के लिए कंप्यूटर्स के नेशनल हाईवे इनसे गेंदबाजी करेंगे। और सामने बल्लेबाज सचिन और नौ नेताई पर देवेंद्र मीना जो कि एक शतक जड़ चुके हैं इस महाकुंभ में। गौरव रघुवंशी चले सचिन के पहली गेंद आबा में जरूर लेकिन फील्डर से दूर। नौ नेताई पर इस वक्त गौरव रघुवंशी चले सचिन के लिए शॉट है निकाल दिया है लंबी चेंज कर दी है गेंद जा रही है बंद करा दी बॉल लाइन के बाहर। तब तक गेंद को फील्ड करते हैं गौरव रघुवंशी अपने बॉलिंग लाइन पर सचिन के लिए उनके हाथों से कट किया लेकिन समय फील्ड एक बार फिर चले गौरव रघुवंशी इसमें मिनट के समय फील्ड करते ना साहब पर रणजी गौरव रघुवंशी देवेंद्र मीना के लिए हवा में जरूर वापस पूरी और देखता है और एक बार के बाद जो वहां पर एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए गौरव रघुवंशी बड़ी मछली को जाने फंसाया है सचिन के लिए उछाल दिया इसको हवा में जरूर रखे लंबी चेस कर रहे फील्डर गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे तब तक बाहर दिया था। और हर हाथों से गेंद को खेल दिया एक रन आसानी से पूरा किया दुनिया था और ये भारत का सबसे गेंद और ना रही है चार तो शानदार बल्लेबाज बल्लेबाज निकल गए ये देखो निकल गई ओ अच्छा बल्लेबाजी
और छक्का लगा और इस बार बात बढ़िया गेंद यहाँ पर आपसे खेलने के लिए गौरव बालू की किताब एक बार से कप्तानी आ गया है और बहुत बढ़िया गेंद जो दारा पी कर लेते हैं अपने आप में फंसा लेते हैं और इस गेंद को फिर करेंगे दिशा में खेल दिया है गेंद जब तक फील्डर इस पर लेग से दो रन अभी आज बांटे जाएंगे उनकी जो भी राजीव भाई शॉर्ट है और आउट हो और अब साइड में खेल दिया है पर बिटर मौजूद एक रन नहीं रोक पाएंगे इस एक रन के साथ रनों की संख्या हुई है और तक कैसे बॉल डालेंगे नए कमेंटर जा रहे हैं श्री जेबी सिंह जी अब मजबूरी करेगा बहुत और शानदार और जैसा आपने देखा है वो ये बाउंसी विकेट है जो धूप आ रही है जिससे कि पिच और बाउंस कर देती है उससे हमारे बहुत शानदार चौका मारा और अब जैसे ये मैच आगे बढ़ा सिर्फ 10 रन और स्विंग मारा लेकिन एक कैच आउट पहले खेल दे प्रकाश कैच आउट और जो हमारे ये बैट्समैन जो बाकी अजीत मीणा जी हमारे बहुत ही शानदार बल्लेबाज है जैसे युवराज सिंह बैट करते थे लेफ्ट हैंडेड वेस्ट इंडीज की बिल्कुल बैटिंग की स्टाइल है हमारे आरोन के पूरे रन करने वाले थे लेकिन सर अनंत भाई से डिस्टर्ब हो गए बीच में बहुत और इस बात का जो माहौल है ऐसा लग रहा है कि शायद कम से कम यहाँ पता है शॉट यार विनर है मिस्टर उन्होंने 50 रन बनाए अपने निर्धारित 20 ओवर के मैच में और ऑल क्रेडिट गोज टू विनोद विनोद ने काफी अच्छी बैटिंग की है और विनोद हमारे एरिया के बहुत ही फेमस बल्लेबाज है आखिरी मैच है महाकाल क्यों इसके बाद